क्यों पवन और अक्षरा एक दूसरे के फिर करीब आ रहे हैं। जी हाँ, पवन और अक्षरा का चार्म ही कुछ इस कदर है कि इन दोनों का एक दूसरे के करीब आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या ऐसा कुछ हो रहा है या फिर ऐसी फेक न्यूज़ बनाई जा रही है? तो चलिए, आज हमने इस बात के लिए बहुत सारी पड़ताल की और ये पता किया कि क्या अक्षरा और पवन फिर से एक साथ आ सकते हैं। तो ऐसी गुंजाइश दूर दूर तक नहीं है। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है पवन सिंह के साथ जब पवन सिंह ने खुद किसी हीरोइन के साथ फ्यूचर में काम ना करने की कसम खाई है और वो कोई और नहीं अक्षरा सिंह है। इससे पहले रानी चटर्जी के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन पवन सिंह ने उनके साथ काम ना करने की कोई कसम नहीं खाई थी। हालांकि इन दोनों के रिश्ते सुधर गए हैं और अब ये दोनों एल्बम्स और मूवीज़ में भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन बात अक्षरा सिंह की हो तो हम आपको बता दें कि आए दिन मीडिया में दावा किया जाता है कि अक्षरा और पवन एक साथ आ रहे हैं, अक्षरा और पवन एक दूसरे के साथ वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन ऐसी सारी खबरों को अफवाह बताया गया है। साथ ही अक्षरा सिंह के साथ काम नहीं करना चाहते हैं पवन सिंह। इवन अक्षरा सिंह का नाम तक नहीं लेते वो अपनी जुबान पर। इसका एक एग्जांपल ये देखा गया जब निशांत ने अपने एक शो में पवन सिंह से सवाल किया कि क्या वो अक्षरा सिंह के साथ इन फ्यूचर काम करेंगे। तब उन्होंने अक्षरा सिंह का नाम भी नहीं लिया और कहा जो दूसरा नाम ले रहे, क्योंकि उस इंटरव्यू में, उस सवाल में पवन सिंह के सामने निशांत ने रानी चटर्जी और अक्षरा सिंह दोनों का नाम लिया था। तो रानी चटर्जी का नाम लेते हुए तो पवन सिंह ने ये कहा कि अब उनके बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं और अब ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। लेकिन जब अक्षरा सिंह की बात आई तब पवन सिंह ने अक्षरा सिंह का नाम भी नहीं लिया और ये कहा कि जो दूसरा नाम ले रहे हैं उनके साथ इन फ्यूचर कोई भी संभावना नहीं है। तो ऐसे में जो खबरें बन रही हैं कि पवन अक्षरा एक साथ आ रहे हैं, ये दोनों इन फ्यूचर साथ में काम करेंगे, तो ये सारी अफवाहें गलत हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।